बीजेपी विधायक बना भू माफिया। जी हां, ये मामला है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का, जहां पर NH2 के किनारे ग्राम समाज की लगभग 6 बीघा जमीन पर बीजेपी विधायक विनोद कटियार ने कब्जा कर लिया है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। गांव की प्रधान संपत्ति देवी ने जिले के DM से लेकर मुख्यमंत्री तक कई बार शिकायत की, लेकिन भू माफिया बीजेपी विधायक के आगे सब फेल होते नजर आ रहे हैं। वही ग्राम प्रधान ने जब विधायक के खिलाफ आवाज उठाई तो विधायक ने उसके घर जाकर उन्हें कई बार जान से मार देने की धमकियां दी, जिससे प्रधान के परिवार में इतना खौफ पैदा हो गया कि उनके बच्चों ने डर के मारे स्कूल तक जाना बंद कर दिया है। वही जब जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह से इस मामले में बात की गई तो उनका कहना है कि मुझे तो इस मामले की कोई जानकारी ही नहीं है, लेकिन वो अपने किसी अधिकारी को भेजकर मामले की जांच करने के बाद ही कोई कार्रवाई करेंगे। सूर्या होटल के पास 6.5 बीघा जमीन है, तो ये अनुज कटियार और भोगनीपुर के विधायक हैं, ये कब्जा कर रहे हैं। समस्या ये है कि जो सूर्या की घाटा संख्या 183-215 है, जिसमें अनुज कटियार और सूर्या वाले दोनों ने कब्जा कर लिया है। 6.5 बीघा जमीन है, उस पर मैंने कई जगह आपत्ति लगाई है, हर जगह हमने सूचना की, माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, DM, SSP कप्तान को और आपका DGP तक हमने खबर पहुंचाई, लेकिन अभी तक मेरा कोई भी सुनाई नहीं हुई। ये बात बिल्कुल भी संज्ञान में नहीं है, और ये जो जानकारी में बात लाई गई है कि मोहम्मदपुर बुजुर्ग में ग्राम समाज की ज़मीन पर किसी कब्जे की बात है, तो इसको मैं वहाँ पर राजस्व के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भेज करके इसको देखेंगे। और ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा करने का अधिकार किसी को नहीं है, अगर किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा होगा तो उसे खाली कराया जाएगा। सर, ये विधायक हैं भोगनीपुर के, तो सर वो धमकी देते हैं हमारे मम्मी पापा को, तो इसके डर वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। अनुज कटियार है, ये असला लेके हमारे मम्मी पापा को धमकाते हैं कि मार डालेंगे, ये है वो है, तो सर इसलिए हमारे मम्मी पापा हमें स्कूल नहीं भेज रहे कि तुम लोग ना जाओ कहीं, वो बीच में तुम्हें घेर के मार ना डालें। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट।